संजय सिंह को लेकर के बड़ी खबर आ रही है दर्शकों। संजय सिंह वाले मामले में अब ये कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई पर जल्द से जल्द फैसला लिया जा सकता है। दरअसल ईडी ने जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया क्या और उसके बाद लगातार सुनवाई चलती रही, ऐसे में कई बड़े सवाल उठने जाहिर थे। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद से ही लगातार ये दावे करने शुरू कर दिए थे कि संजय सिंह के खिलाफ उनके पास कई बड़े सबूत मौजूद हैं और ऐसे में उन सबूतों के आधार पर ये फैसला लिया जा सकता है कि आने वाले दिनों में संजय सिंह को जेल में रहना पड़ेगा या फिर जेल से रिहाई मिलती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपको इस बारे में एक बड़ी जानकारी दे दूं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार कई तरीके से ईडी दबाव बनाने का प्रयास कर रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि ईडी दरअसल इस मामले में पार्टी को दबाना चाहती है, पार्टी के वजूद को ख़त्म करना चाहती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का खेल चलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी और क्या ईडी संजय सिंह के खिलाफ पूरी तरीके से सबूत पेश कर पाएगी या फिर संजय सिंह को बड़ी राहत मिलती दिखाई देगी। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं दर्शकों और फिलहाल देखा जाए तो इस वक्त संजय सिंह को लेकर के कहीं ना कहीं यह बड़ी खबर है कि उनको इस पूरे मामले में राहत मिलती हुई नजर आ सकती है क्योंकि ईडी इसमें सबूत पेश करने में असफल दिखाई देती है। अब अगले सुनवाई में इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।